अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने ट्विटर पर नया बयान जारी कर दिया। 14 पार्टियों की साख राख बन रही है। फॉरेन फंडिंग केस दफन हो गया है। शेख रशीद ने ट्विटर पर मजीद क्या लिखा, आइए जानते हैं। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने ट्वीट किया और लिखा कि फॉरेन फंडिंग शोकास्ट नोटिस सिर्फ फंड जब्ती का है, ना कि पार्टी कालेदम और ना ही इमरान खान को नाहल कराने का। इलेक्शन कमीशन रेफरेंस हुकूमत को भेजेगा, हुकूमत के डिक्लेरेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। हर गलत फैसले से 14 पार्टियों की साख राख बन रही है। ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। पीडीएम टैं फिश हो गई। बयान हल्फी और सर्टिफिकेट में फर्क होता है। शेख रशीद ने मजीद कहा कि फॉरेन फंडिंग केस दफन हो गया और फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया। नवाज शरीफ के केस और फॉरेन फंडिंग केस में फर्क है। अब इतिहादी बेशक मीडिया खेले, जो आईएमएफ से कर्जा भी ना ले सके उनकी खाक कारकर्दगी है।